हाय फ्रेंड्स, सनराइज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोग को योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का अंदर वाला सीन दिखाया, ठीक उसी प्रकार मैं अभी स्टेशन के बाहर आउटसाइड में जो एक पार्किंग बनी हुई है उसके पास मैं हूँ। तो आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो पार्किंग बनी है कितनी अच्छे दृश्य में बनी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये चारों तरफ पार्किंग ही पार्किंग दिख रहा है। जैसे कि ये सभी छोटे छोटे फूल लगे हैं, फूलों की क्यारियाँ है ये। ठीक है, और यहीं पे एक शंकर भगवान की स्टैचू लगी हुई है। चलिए चल के दिखाते हूँ। देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन पे ही बाहर में आउटसाइड में ये शंकर भगवान की स्टैचू लगी है जो कि एक विशाल दिख रहा है आपको। ये चित्र दिखाई दे रहा है और यहीं ऊपर देखिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को। अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है ना। देखिए और भी कुछ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए देखिएगा। ये सामने भी एक स्टैचू है बना हुआ है जहाँ पे लोग फोटो अपना खिंचा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उन लोगों को। देखिए ये छोटे छोटे फूल के पौधे लगे हैं और इसकी सफाई देखिए, और इसमें सुबह सुबह पानी भी डाला जाता है। मैंने इस गार्डनर के एक आदमी से बात किया तो बताया कि ये हम लोग का यहाँ पे क्या है कि सर्विस है और हम लोग का इन पौधों को देखभाल करना है, कोई इसको छेड़छाड़ ना करे और इसमें पानी डालना। जो छोटे छोटे फूल अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उसके जगह पे नया फूल डालना। देखिए देख रहे हैं कैसा लग रहा है आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं चल के आगे कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये नीचे का फर्श है बिल्कुल प्लेन और ये इसके जस्ट ऊंचाइयों पर रेलवे स्टेशन है जो कि ऊंची है, पहाड़ों को काट काट करके बनाया गया है। ठीक है, और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हैं, ये सब सेल्फी लेने के लिए बना हुआ है जिसमें लोग अपना सेल्फी खिंचाते हैं। ठीक है, देखिए कैसा लग रहा है आप लोग को, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग को मौका मिले तो ज़रूर आके यहाँ पे एक बार घूमिएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक से परिपूर्ण स्थान है। कहा जाता है उत्तराखंड को सुंदर तो बहुत है लेकिन आपदाएं भी बहुत है कि ना। सुंदरता में तो एकदम ब्यूटीफुल दिखता है लेकिन कभी कभी यहाँ पे ऐसी ऐसी आपदाएं आती है लोगों को दिल दहला देती है। ठीक है, प्रकृति से परिपूर्ण स्थान है योगनगरी ऋषिकेश, आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ सामने योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का नाम है। और यहीं तक ये उत्तराखंड में ट्रेनों की लास्ट सफ़र होती है और ये नया बन करके रेडी हुआ है। मैं कुछ अंदर पार्किंग में आ गया हूँ केवल आप लोग को दिखाने की वजह से। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोग जब तक वेट करते हैं तब तक पार्किंग में इधर उधर भटकते हैं, घूमते हैं। और यहाँ पे आपको ट्रेन अगर लेट भी है तो आपको समय का पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये इतना सुंदर स्थान है कि आप कहीं पर भी लेट सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, देखते देखते आपके टाइम ओवर हो जाएगी। मैं 2 घंटे से अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब आया।
क्योंकि जिधर जाइए उधर एक सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है। देखिए ये सब यात्री अपना सामान ले ले करके घूम रहे हैं। देखिए तो सब सीढ़ियाँ लगी हुई हैं चढ़ने के लिए। ये सारा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है ना। ये यात्री अपना सामान ले लेकर के पैदल मार्ग से जाएंगे। वहाँ हम लोग की स्कूटी लगी हुई है और अब हम लोग प्रस्थान करेंगे यहाँ से। देखिए मेरी स्कूटी, और इसी स्कूटी से हम लोग तीनों आदमी यहाँ से फिर चले जाएंगे। चलिए आप लोग को ये दृश्य कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।